हेलो फ्रेंड्स मित्रों एंजीनियरिंग ड्रॉइंग ना आ सेशन आप सबनु स्वागत करू छु। मित्रों आपणे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नो टॉपिक चालू छे। एमां त्रण ऑर्थोग्राफिक आपणे दोर्या छे सिम्पल सॉलिड ना अलग अलग जॉब ना। मित्रों एनी अंदर ज आजे बीजो एक नवो जॉब लईए के जेनो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपणे दोरवानो छे। हवे फरीथी एक समजावी देऊं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एटले जुदा जुदा बाजुना देखावो दोरवो, बराबर छे। तो मित्रों आज आप आ बे जॉब छे एना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपणे दोरवाना छे, एटले के एना देखावो दोरवाना छे, राइट। अहीं जो आ शुं आप्युं छे, स्क्वेर पिरामिड, चौरस पिरामिड के जेनो पायो चौरस होय स्क्वेर होय, सो इट्स कॉल्ड स्क्वेर पिरामिड। अने एना आपणे देखावो आपणे दोरवाना छे। तो हवे देखावो क्या दोरवाना, जुओ आ बाजू आपणे एलिवेशन समजीए छे, एटले के सामेनो देखाव। हवे आ जो एलिवेशन होय तो आ बाजुनो देखाव आपणे बराबर देखाय छे, डाबी बाजुनो देखाव। अने डाबी बाजुनो देखाव ने लेफ्ट हेन्ड साइड एलएचएस कहेवाय टूंकमां। अने प्लान त्रण देखाव आपणे दोरवाना छे, बहु सिम्पल छे मित्रों। आवो आपणी पासे जॉब छे मित्रों, जो आ रीतनो हमणे मुकेलो छे, एटले आ बाजू भी देखाय अने आ बाजू भी देखाय, अने साथे साथे एने क्रॉस करेली छे, एटले आ बाजू भी देखाय। जो आ रीते बराबर छे, आ रीते मित्रों, आ रीते बराबर छे। तो हवे आपणे शुं करीए के दाखला तरीके आ एलिवेशन लईए, एटले के सामेनो देखाव समजीए। तो एलएचएस एटले के लेफ्ट हेन्ड साइड, एटले आ रीते दोरवानुं छे। बीजी एक वस्तु मित्रों मार्क करो के दाखला तरीके आ सामेनो देखाव होय, बराबर छे। तो सामेनो देखाव आपणे शुं देखाय छे, एम पिरामिड छे, पण आपणे शुं देखाय, फक्त एक त्रिकोण ज देखाय। एटले सामेना देखावमां एक त्रिकोण देखाशे, बाजूना देखावमां आपणे त्रिकोण देखाशे, अने ऊपरनो देखावनी वात करीए आपणे ऊपरथी जोईए। हवे तमे ऊपरथी नहीं जोई शको, पण हुं बीजी रीते तमने बताऊं। आ रीते एक्झेक्ट सामे तो तमने एक चौरस देखाशे, बराबर छे। एक चौरस देखाय, आ एक टोच देखाय, अने चार धार देखाय, एक बे त्रण अने चार, चार धार देखाय, बराबर छे। बहु सिम्पल छे, आपणे दोरवानी स्टार्ट करीए। मैं तमने कीधेलुं के सौथी पहेला तमारे क्वेश्चन वांची लेवानो, के क्वेश्चन में कई रीते ऑर्थोग्राफिक तमने पूछ्युं छे, फर्स्ट एंगल के थर्ड एंगल। तो एक क्वेश्चन जुओ, परीक्षा में आ रीते पूछाय छे तमने। सी ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्वेर पिरामिड इन थर्ड एंगल। चलो थर्ड एंगल में आपणे दोरवानुं छे, तो थर्ड एंगल में कई रीते दोरवानुं होय, सामेनो देखाव दोरवानो होय, अने ऊपरनो देखाव एलिवेशन ऊपर ज दोरवानो, एटले जेवुं देखाय ए ज रीते दोरवानो, बराबर छे। तो आपणे आ रीते एरेंजमेंट करवानुं, दोरवानी स्टार्टिंग ए रीते करवानुं के आपणने खबर पड़ी जाय के एलिवेशननी ऊपर आपणे प्लान दोरवानो छे थर्ड एंगलमां, बराबर छे। तो आपणे नीचेथी स्टार्ट करीए, अहींथी स्टार्ट करीए के जेथी ऊपरनो देखाव आपणे ऊपर दोरी शकीए। घणी वखत एवुं होय के आपणने खबर नहीं होय के क्यां दोरवानुं छे, प्लानिंग नहीं करीए, तो शुं थाय के अहींया एलिवेशन दोरीए तो प्लान दोरवानी जग्या ज नहीं रहे। एटले पहेला हंमेशा प्लानिंग करी लेवानुं, पछी दोरवानुं स्टार्ट करवानुं, अने दोरवानुं बहु ज ईझी छे। जो एलिवेशन सामेनो देखाव आ समझो के भाई 30 छे, अने एनी ऊंचाई केटली छे 50 छे। हवे मित्रों 50 ऊंचाई एटले केई, आ जे क्रॉस छे ढाळवाळी ए नहीं, एक्झेक्ट 50, एक्झेक्ट 50 ऊभी रेखामां 50, बराबर छे। आ ढाळवाळी रेखा छे तो वधी जाय, अने ए माप आपेलुं ज नथी, बराबर छे। अहींया जे 50 माप आप्युं छे ए एक्झेक्ट ऊभुं माप आप्युं छे 50, ओके। तो चलो आपणे दोरवानुं स्टार्ट करीए। जो 30 मिलीमीटर, तो अहीं हूँ 30 मिलीमीटर दौरी दू, आज 30 मिलीमीटर लीधा एना अर्धा हूँ लेज लाऊं छू। आ 30 मिलीमीटर दौरी दीधु, हवे आपणे शुं एक त्रिकोण दौरवानो छे। हवे त्रिकोणनी ऊंचाई केटली छे मित्रों, 50 छे। तो 50 ज्यारे लईए तो आनु मध्य बिंदु तमारे शोधी काढवानुं अने 50 लेवानुं, बराबर छे। आ रीते एक्झेक्ट ऊभी रेखा एक्झेक्ट परपेन्डिक्युलर, तमे सेट स्क्वेर थी भी लई शको, बराबर छे। तो आ रीते मैं लई लीधुं 50 मिलीमीटर, बराबर छे। बस हवे जोड़ी देवानुं, एटले आपणो एलिवेशन थई गयो। आ एक लाइन अने बीजी लाइन थई गई एलिवेशन मित्रों, बराबर छे। हवे आपणे शुं दोरवानुं छे, प्लान। तो प्लान में शुं थशे मित्रों के एक चौरस आपणे देखाशे, ऊपरथी जोईए ने तो चौरस देखाशे, अने चौरस केटला बाय केटलानो देखाशे,
तीस 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 अने तीस ए चौरस आपने देखा से। तो मित्रों हूँ शू करू छू के आ प्रोजेक्शन ले लेवा अहीं थी, कारण के आ एक्जेक्ट लाइन में ज आपणे दोरवानुं थाय, अहीं थी एक्जेक्ट लाइन उपर दोरवानुं थाय। तो हूँ एटलू काम करी दऊं मित्रों के अहीं थी सीधी लाइन दोरी दऊं अने एक चौरस दोरी दऊं, बराबर छे। अने पछी तमने हूँ समझाई देवा, फक्त चौरस दोरवानो छे एटला माटे मैं रेकॉर्डिंग चालू नथी राखतो। ओके चलो, तो मित्रों अहीं आपणे शुं कर्युं छे, आ एक ट्रायंगल दोरी दीधो छे, आनो देखाव आवो देखाय आपणे, ऊपरथी जोईए तो हमेशा चौरस ज देखाय आपणे, बराबर छे। पण अहीं आपणे शुं कर्युं छे, एक वस्तु हूँ वारंवार तमने ध्यान अपावुं छुं के आ जे एलिवेशन छे सामे देखाव एनी एक्झेक्ट लाइनमां ज प्लान आववो जोईए, बराबर छे। आम तेम अहीं पण नहीं दोरी शकाय, अहीं पण नहीं दोरी शकाय, खोटू गणाय। ओके, हवे बाकी शुं रह्युं, तो आपणे आ रीते ऊपरथी जोईए तो आपणे चौरस तो देखाय ज, पण धार देखाय एक बे त्रण ने चार, तो ये धार आपणे कई रीते दोरीशुं, ए खाली चौकड़ी पाड़ी दईए एटले धार इंडिकेट थई जशे आ रीते। जो ओके, आ रीतनुं दोराय, बराबर छे, चार धार थई गया, एक बे त्रण ने चार, तो आ आपणुं थई गयुं प्लान। हवे मित्रों तीजो देखाव कयो बाकी रह्यो, एलिवेशन एटले के सामे देखाव, प्लान अने एलएचएस। हवे एलएचएस एक्झेक्ट एलिवेशन जो देखाय मित्रों, बराबर छे। तो आ जे रीते दोर्यो ए ज रीते हुं अहींया एक ट्रायंगल दोरी देव अने ए बाजुनो देखाव बनशे। बाजु देखाव जो अहींया, अहींया पण त्रिकोण देखाय, अहींया पण त्रिकोण देखाय, बराबर छे, सेम ज देखाय। बीजी एक वस्तु खास याद राखवानुं मित्रों के जे एलिवेशन नी हाइट छे ए ज हाइट मां एक्झेक्ट आपणे लेवानुं, बराबर छे, त्रिकोण दोरवानो छे। बीजुं अहींयाथी केटलुं डिस्टन्स लेवानुं, तो अहींयाथी जेटलुं डिस्टन्स छे एटलुं डिस्टन्स आपणे अहींया लेवानुं, बराबर छे, एटला डिस्टन्स पर आपणे साइड व्यू दोरवानो, बराबर छे। तो हूँ पहेला साइड व्यू दोरी दऊं, पछी एना मापो आपी दऊं, पछी एना नामो आपी दऊं, बराबर छे। हूँ ए आशा राखुं छुं के बधाने आ ड्रॉइंगमां समज पड़शे। ओके, फरीथी हूँ समझाई देश तमने मित्रो। आपणे शुं कर्युं के आ साइड व्यू जो दोरवानुं छे, तो साइड व्यू माटे शुं कर्युं के आनी एक बे स्ट्रेट लाइन लई लीधी, एटले आपणे खबर पड़ी गई के आज लाइन में आज हाइट में आपणे साइड व्यू दोरवानो छे। बीजू अहींथी आपणे आ प्रोजेक्शन अने प्रोजेक्शन लाइन के आ प्रोजेक्शन लई लीधुं, एटले आ लाइन में आ चौरस खाना लंबचौरस खाना में आपणे साइड व्यू दोरवानो थाय। अने पछी आपणे शुं कर्युं के अहींथी आपणे आ त्रीस छे, आ त्रीस ना अर्धा लई लीधा अने हाइट केटली छे पचास छे, अने आपणे एक शंकु बनावी ट्राइंगल बनावी लीधो, एटले ए आपणुं एलएचएस थई गयुं। ओके मित्रो, ओके मित्रों खास याद रखो के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नी अंदर जे भागो देखाता होय ए हमेशा जाड़ी लीटी थी दोरवाना। तो अहींया जे ब्लेक कलर छे आ चौरस छे ए तमारे डार्क करी देवानुं, जाड़ी लाइन करी देवानी। आ जे ट्रायंगल देखाय काळा कलर नो ए डार्क करी देवानो, जाड़ी रेखा। आ ट्रायंगल देखाय ते जाड़ी रेखा करी देवानी, बाकी नी बधी लाइन पतली अने झांखी के जेथी ओरिजिनल जॉब आपणे खबर पड़े। तो घनी वक्त शू थे कि आप बधी जो डार्क करी रही है तो ओरिजिनल जॉब खबर ज नहीं पड़े। मित्रों आ बधी लाइनों रवा देवानी, आ लाइन है गाइड लाइन कहवाई, बराबर से, बधी लाइन रवा देवानी पण झांखी रवा देवानी, ए खरेखर रीत है ऑर्थोग्राफिक दोरवानी रीत है, बराबर छे। ओके, तो त्रण देखाव दोराई गया मित्रों आपणा, त्यार पछी आपणे शुं करीए एनुं नाम लखी दईए, एनो स्केल लखी दईए अने सिम्बोल हूँ तमने होमवर्क आपुं छुं आ वखते, बराबर छे, सिम्बोल तमारे ट्रायंगल नो जाते दोरवानो। ओके, तो हूँ नाम लखी दऊं अने स्केल लखी दऊं, त्यार पछी आपणे आ ड्रॉइंग पूरु करीए। ओके चलो, ओके मित्रों, तो अहीं आपणे शुं कर्युं, नाम लखी दीधा छे, चार मिलीमीटर ने बे लीटी दोरवानी, एवा नामे नाम लखी देवाना। बीजू स्केल, स्केल वन जेम वन, एटले जे मापनो आपेलू छे ए ज मापनो आपणे दोर्युं छे, स्केल वन जेम वन। सिम्बोल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल नो सिम्बोल हवे तमारे जाते दोरवानो आ भाग में। ओके, अने आ रीते आपणे पिरामिड छे एनो ऑर्थोग्राफिक आ रीते दोराय। ओके, हवे बीजो आपणे ऑर्थोग्राफिक कयो दोरीए, तो आ पिरामिड ने वच्चे थी कट करी नाखीए, बराबर छे, अने कट कर्या पछी एनो आकार केवो देखाय ए आपणे दोरवानो छे। तो मित्रों कट कर्या पछी आकार एनो आवो देखाय, बराबर छे, अने कट करेलो जे आकार छे एने फ्रस्टम कहेवाय, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ स्क्वेर पिरामिड, चौरस पिरामिड ने वच्चेथी कापी नाखीए तो एनो आकार केवो देखाय, तो आवो देखाय, अने आनो आपणे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दोरवानो होय परीक्षामां।
बराबर छे, आना जेवु छे, वो इजी छे, हूँ तमने फटाफट समझाई दऊं। ओके चलो एनी अंदर पर जो एलिवेशन आ बाजू छे, एलिवेशन जेवो ज एलएचएस देखाशे, प्लान अलग देखाशे, हूँ प्लान तमने समझाई देवा। ओके चलो तो पहला आपणे एलिवेशन दोरी काढीए। एलिवेशन माटे आपणे शुं समझवानुं छे, 60 मिलीमीटर एनो बेस छे। हवे आमा अने आमा मैं जाणी जोईने रकम मां डायमेंशन में थोड़ो तफावत बताव्यो छे कि घणी वखत आ जे वेल्यूज छे ए तो परीक्षा में बदलाया पण करे, एटला माटे मैं अलग वेल्यू आपेली छे। ओके चलो तो 60 मिलीमीटर पछी एनी ऊंचाई केटली छे 40 मिलीमीटर अने आ भाग केटलो छे 30 मिलीमीटर एटले 30 60 अने 40 एटलो डायमेंशन आपणे एलिवेशन दोरी काढीए। ओके चलो तो पहला 60 मिलीमीटर ની લીટી દોરી દઈએ, 60 મિલીમીટર ની લીટી દોરી કાઢીએ આપણે, આ 60 મિલીમીટર ની લીટી થઈ ગઈ। મિલીમીટર પર આપણે એક પોઈન્ટ મૂકી દઈએ, ઓકે એક્ઝેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલર, એક્ઝેક્ટ અહીંયા આપણે એક પોઈન્ટ મૂકી દીધો। ઓકે લીટી નથી દોરવાની, પોઈન્ટ મૂકવાનું છે। હવે અહીંયા કઈ લીટી દોરવાની છે, આ 60 થઈ ગયા, હવે કેટલું અહીંયા 30 મિલીમીટર બરાબર છે, તો આપણે મિડલ પોઈન્ટ તો આપણે લઈ લીધું છે, એટલે આપણે શું કરીએ કે અહીંયા એક લાઈન 30 મિલીમીટર ની આવશે બરાબર છે, તો આપણે મિડલ તો લઈ લીધું છે એટલે 30 માં આપણે શું કરીએ કે 15 આ બાજુ લઈએ અને 15 આ બાજુ લઈએ। ઓકે એટલે એક લાઈન દોરાઈ જશે, આપણે શું કહ્યું આ મિડલ પોઈન્ટ લઈ લીધું, હવે અહીંયા આપણે 30 મિલીમીટર લેવાના હતા તો મિડલ થી આ બાજુ 15 ને આ બાજુ 15 એટલે 30 થઈ ગયા, બસ હવે જોડી દેવાનું મિત્રો, એટલે આપણો એલિવેશન કમ્પ્લીટ। આ રીતે જો મિત્રો આવો દેખાવ દેખાય આપણને, મિત્રો આમાં પણ આમાં થોડાક અલગ છે બરાબર છે, કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, તમારે માપ પ્રમાણે દોરવાનું છે, મારી કન્વિનિયન્સી પ્રમાણે મેં દોરેલું છે બરાબર છે, તો હવે માપ પ્રમાણે આપણે દોરીએ તો એલિવેશન આવો દેખાય બરાબર છે। હવે પ્લાન અને સાઇડ વ્યૂ માટે આપણે શું કરીએ તો અહીંયાથી જો આ કઈ કઈ ધારો છે, 1, 2, 3 અને 4 ધારો છે, એને આપણે 4 ધારોને ઉપર લઈ લઈએ, એની આપણને જરૂર પડશે બરાબર છે। અને બીજું કે આપણને હવે ખબર પડી ગઈ કે એલિવેશનની જે લાઈન છે એ જ લાઈનમાં એલએચએસ આવશે, તો એ લાઈન પણ આપણે દોરી દઈએ, હું દોરી દઉં છું પછી તમને સમજાવું। ઓકે ચાલો મિત્રો આ જે એલિવેશન છે એ એલિવેશન આપણે દોરી દીધા, હવે ઉપરના દેખાવની વાત કરીએ તો ઉપરના દેખાવમાં જયારે કોઈ બી સ્ક્વેર પિરામિડને કટ કરેલો હોય અને ઉપરથી જોઈએ તો આપણને બે ચોરસ દેખાય, કયા કયા ચોરસ દેખાય, એક તો 60 60 60 અને 60 એટલે 60 મિલીમીટરનો એક ચોરસ દેખાય અને બીજો કટ કરેલો ભાગ છે એ કયો છે 30 મિલીમીટરનો બરાબર છે, તો બે ચોરસ આપણે દોરવાના થાય અહીંયા। હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આ જે છે આ લાઈન એ 60 મિલીમીટર છે અને આ જે નાની રેખા છે એ 30 મિલીમીટર છે, અહીંયા નાનો ચોરસ અને આ મોટો ચોરસ 60 નો છે, આપણે શું કરીએ કે અહીંયાથી આ 60 મિલીમીટર તો અહીંયા એક હું ચોરસ દોરી દઉં બરાબર છે, ત્યાર પછી એની અંદર 30 મિલીમીટરનો એક ચોરસ દોરી દઉં બરાબર છે, બે ચોરસ આપણને દેખાય, અહીંથી અંતર તમારે કેટલું છોડવાનું, લગભગ 40 થી 50 મિલીમીટર છોડી દેવાનું બરાબર છે, એટલું માટે કે અહીંયા આપણે કોઈ વખત માપ બી આપવું પડે પછી નામ આપવું પડે, એટલા માટે આપણે 40 થી 50 મિલીમીટર છોડી દઈએ છીએ, તો અહીંયાથી હું 40 મિલીમીટર છોડીને બે ચોરસ દોરું, એક મોટું ચોરસ ઉપરથી જોઈએ તો 60 મિલીમીટર અને નાનું 30 મિલીમીટર। ઓકે ચલો હું બે ચોરસ દોરી દઉં, અહીંયા મિત્રો આપણે બે ચોરસ દોરી દીધા, આ મોટું સર્કલ છે એ કેટલું છે 60 નું છે, તો 60 નું સર્કલ, નાનું ચોરસ કયું છે, સર્કલ નથી ચોરસ છે 30,
एलिवेशन प्लान आप कम्प्लीट थी जाए। ओके आ रीते जो आ एक आ बीजी धार अंतर छोड़वानु तो आज एटलू डिस्टन्स छोड़ेलू छे 40 मिलीमीटर एटलू डिस्टन्स आपणे अहीं छोड़ीने आ रीतनो बेटफाइक जॉब बनावी दईए। तो हवे हुं बे त्रण काम एक साथे करी दऊं। शुं करी दऊं के पहेला आना जेवो एक बेटफो जॉब અહીંયા દોરી દઉં કે જે એલએચએસ બનશે, ત્યાર પછી હું માપ આપી દેવા, માપ કઈ આપીશું, આ 60, 40 અને 30 એ માપ આપી દઈશું અને ત્યાર પછી હું નામ લખી દઉં અને સ્કેલ લખી દઉં। ઓકે મિત્રો, ચાલો એટલું કામ હું કરી દઉં। એકજ માપો આપણે વારંવાર આપવાની જરૂર નથી। ઓકે, ત્યાર પછી આપણે અહીંયા નામ લખી દીધા, એલિવેશન પ્લાન અને એલએચએસ લખી દીધા છે। ઓકે, આ રીતે જ આપણે સેમ ટુ સેમ આપણે સાઈડ વ્યુ બનાવ્યો છે। નીચે સ્કેલ લખ્યું અને થર્ડ એંગલ નો સિમ્બોલ તમારા માટે હોમવર્ક। થર્ડ એંગલ નો સિમ્બોલ મેં વારંવાર બતાવ્યો છે તમને, હવે એટલું કામ તમે જાતે કરજો અને છેલ્લે એક લીટી જો તમારે લખવી હોય તો એવું લખી શકો કે બધા માપો મિલીમીટરમાં છે અથવા તો ઓલ ડાયમેન્શન ઇન મિલીમીટર। ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે આજે આપણે સ્ક્વેર પિરામિડ નો ઓર્થોગ્રાફિક શીખા અને ફ્લસ્કમ ઓફ સ્ક્વેર પિરામિડ, એને કાપીને જે બધા બનાવીએ જે આકાર એને ફ્લસ્કમ ઓફ પિરામિડ કહેવાય, એનો આપણે દેખાવો શીખા। આ બધા દેખાવો મિત્રો 15 થી 20 માર્કમાં પૂછાય છે, બરાબર છે, બહુ ઇઝી છે, બધા ટ્રાય કરજો। ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજા જોબ સાથે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન શીખીશું। ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ।